नमस्कार मैम केमिस्ट्रा ऑल इंडोनेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ी फटकार लगाई है और बड़ा झटका लगाया है सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को। ये ममता बनर्जी वही है जो जय श्री राम के नारे से भड़क जाती है। जी हां साहब, जय श्री राम का नारा सुनते ही इनके तन बदन में आग लग जाती है और वहां पर वो लाठी चार्ज तक करवा देती हैं। लेकिन जो आज मामला है वहां आप सुनेंगे कि यहां पर कैसे जो लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों के विचारों का हनन नहीं किया जाता, लोगों के विचारों को सुना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी है जिनको जय श्री राम से ही नफरत हो जाती है। तो आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला लताड़ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फटकार है उस पर जो ममता बनर्जी का रिएक्शन वो दिखाऊंगा। लेकिन आप खबर अगर ममता बनर्जी की लताड़ से है, ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट से फटकार से है, तो आज एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि जय श्री राम लिखने से ऐसे लोग के तन बदन में जब आग लगती है तो जय श्री राम तो हम बोलेंगे और हम बार बार बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम लिखेंगे। तो चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले किस खबर को शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में अगर आप नहीं जानते थोड़ा सुन लीजिए। ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा पर रोक लगा देती है कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, ताजिए को खुला छोड़ देती है कि ताजिया का प्रोग्राम होगा, ताजिया उठेगा ही उठेगा, लेकिन वहां पर ये दुर्गा विसर्जन दुर्गा पूजा पर रोक लगा देती है। और बता दूं ये है मुस्लिम स्कॉलर है, जी हां साहब, ममता बनर्जी मुस्लिम स्कॉलर है, धर्म से इनका जो ये पढ़ाई कर रखी है, तो साहब सोच कैसी होगी। मैं किसी धर्म पे नहीं वार कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक धर्म को पढ़ने वाले किस प्रकार से व्यभिचारी होते हैं। चलिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस जय श्री राम नाद सुनने वाले ऐसे मुल्लियों को आज कैसे लगाई है फटकार। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है ममता बनर्जी और वहां मुंबई पुलिस को। आम नागरिकों के सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है और इसको लेकर साफ तौर पर आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान यहां पर जारी किया है, एक बड़ा फैसला यहां पर बता दूं आपको इसके लिए आ गया है। मैं आपको बताऊं, दरअसल एक खबर जो है, दिल्ली निवासी एक महिला को कथित रूप से केवल फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को करने पर ऐसा लग ऊपर फेसबुक पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस ने सम्मन भेजा था और महामारी महिला ने कोरोना महामारी के बीच कोलकाता में भीड़ भाड़ वाले जगहों पर राजा बाजार के इलाके की तस्वीर शेयर करके लॉकडाउन के नियमों को लेकर के ममता सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाए थे। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इंदिरा बनर्जी के बेंच ने कहा कि अगर राज्यों की पुलिस इस तरह से आम लोगों के सम्मन जारी करने लगे तो ये तो एक खतरनाक ट्रेंड हो जाएगा। ऐसे में न्यायालयों को आगे बढ़कर अभिव्यक्त की आजादी के लिए अधिकार की रक्षा करनी होगी जो कि संविधान के आर्टिकल 91A के तहत हर नागरिक को मिला हुआ है। भारत के हर नागरिक को बोलने की आजादी है और सुप्रीम कोर्ट रू और हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में फ्री स्पीच की रक्षा के लिए हैं। संविधान में इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य आम नागरिकों को प्रताड़ित ना कर सके। यह सुप्रीम कोर्ट की लाइन है। एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है कोलकाता का राजा बाजार, जहां की एक तस्वीर महज फेसबुक पे वायरल करके वहां लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन की धज्जा उड़ती हुई दिखाई गई थी उस फोटो में और महिला ने सिर्फ शेयर कर दिया तो कोलकाता पुलिस ने सम्मन भेज दिया। ये है ममता बनर्जी का असली चेहरा। जय श्री राम के नारे लगते हैं उसके तन बदन में आग जाती है, ये है ममता बनर्जी का असली चेहरा। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, लाइन मत क्रॉस कीजिए, भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए, भारत को हर किसी को बोलने की आजादी है और हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में फ्री स्पीच के लिए किसी नागरिकों के
आम हितों का यहां पर कहीं प्रताड़ित नहीं होने देंगे और प्रताड़ित आप इस प्रकार से नहीं कहिए। 29 साल की ये रोशनी विश्वास नाम की महिला थी जो एडवोकेट महेश जेठमलानी के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उस महिला को उस वक्त उक्त फेसबुक पोस्ट को लेकर कोलकाता जो है वो कोलकाता पुलिस को जो याचिका थी कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्होंने राजा बाजार के इलाके की लॉकडाउन की धज्जा उड़ते बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देश के नागरिकों को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं घुमाया जा सकता है, यह एक नागरिक के बोलने की आजादी और अधिकार को धमकाने जैसा है। उसके बाद उन्होंने कहा पुलिस ने महिला के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने के आरोप में FIR दाखिल की थी। दाखिल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के काउंसलिंग आर बसंत ने कहा कि महिला से सिर्फ पूछताछ की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा यह किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है, किसी के खिलाफ इसलिए केस नहीं चलाया जा सकता है कि लॉकडाउन के नियमों के ठीक संचालित न होने की बात कह दी है, इसलिए उसको आप पुलिस में थाने बुला करके उससे आप पूछताछ करोगे, आप कानूनों की धज्जियां उड़ाओगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के देश के नागरिकों के एक जगह से दूसरे जगह तक घुमाया नहीं जा सकता है, यह नागरिक के बोलने की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है। राज्य सरकार के काउंसलिंग इस बात का जो वहां के थे जोर देते रहे कि महिला को पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा ऐसा लग रहा है जैसा आप उस महिला से कहना चाहते हो कि सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत कैसे हुई, हम उसके सम्मान के नाम पर देश के किसी कोने से किसी को घसीट कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच आगे कल कहा क्या कहा, उन्होंने कहा कल को कोलकाता मुंबई मणिपुर और चेन्नई की पुलिस देश के हर हिस्से के लोगों को सम्मन भेजने जाएगी यह संदेश देने के लिए कि तुम्हें बोलने की आजादी चाहते हो तो तुम्हें सबक सिखाएंगे, यह खतरनाक ट्रेंड है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला को दिल्ली से कोलकाता सम्मन करना परेशान करने जैसा है, कल को कोलकाता मुंबई मणिपुर जैसे मैंने बताया आपको सम्मन भेजे जाएंगे तो इससे तो खतरनाक ट्रेंड खुलकर सामने आएगा। उसके बाद राज्य सरकार के काउंसिल ने इस बात के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि कोलकाता पुलिस दिल्ली जाकर महिला से पूछताछ करेगी, इस महिला को जांच में सहयोग करने को कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसको लेकर के रजामंदी दे दी। अब आप खुद बताइए क्या ममता बनर्जी एक व्यक्ति एक महिला ने सिर्फ एक मार्केट की तस्वीर को शेयर कर दिया जहां पर भीड़ भाड़ी वाले इलाके में लोग भीड़ में इकट्ठा घूम रहे थे वहां पर, और वहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, उसको लेकर के एक वीडियो शेयर करना और सुप्रीम कोर्ट और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। पुलिस मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अब दखलंदाजी देनी पड़ती है। ममता बनर्जी क्या, और उसके बाद सुनिए तो सही इसका मेन फैक्ट जो था इसमें जो वो लगाया गया है कि इसमें एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की गई है, मतलब यहाँ भी ममता बनर्जी जय श्रीराम और जय श्रीराम वाला जो वो था तड़का देना नहीं भूली, उन्होंने कहा एक विशेष धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई है इसलिए इस महिला को यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो तो उनके कृत्य आने वाले 2022 के चुनाव में उसका जनता परिणाम दे ही देगी। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ ममता बनर्जी पे खबर हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो आपका लिखना बनता है। बने रहिए ऑल इंडिया न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे।